हेलो दोस्तों, तो कैसे दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों अभी हमें जेसीडी जंक्शन पे और जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर देखने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। लास्ट तक छोटा सा वीडियो होने वाला है, आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, जैसे शिव गंगा और बैद्यनाथ मंदिर और जेसीडी जंक्शन भी दिखाता हूँ। वैसे मैं झारखंड आया था, नेवरल है आज वंदे भारत का, उसी में आया था, तो उससे पहले मैं सोचा कि देवघर घूम लूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये रहा जेसीडी जंक्शन के आगे शिव व्यू। देख सकते हो दोस्तों, जेसीडी जंक्शन के पास एक छोटा सा मंदिर है, इसमें अभी ताला लगा हुआ है इसलिए आपको नहीं दिखा सकते अंदर जाकर, लेकिन बाहर से आप देख सकते हो इस तरह का मंदिर है। तो अगर आप ऑटो से आते हो जेसीडी की तरफ से, तो आपको ऑटो वाले यहाँ पर उतार देगा इस क्लॉक टावर के पास, और आपको इस रास्ते में मंदिर के लिए रास्ता है। तो चलिए चलते हैं, कितना दूर है और ये जगह कौन सी है, तो चलिए चलते हो दोस्तों। इस जगह का नाम टावर चौक है, और यहाँ से मंदिर की जो दूरी है मैच 200 से 300 मीटर है। बाबा धाम आने के लिए आपको इस गली से होकर आना पड़ेगा, और देख सकते हो सामने राम मंदिर, और ऊपर देख सकते हो लोग दर्शन करने के लिए जा रहा है। चलिए हम भी चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपको इस मंदिर के थोड़ा बहुत रहस्य बताते हैं। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मंदिर भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर में शिव और सती का एक साथ विराजमान है। इस मंदिर के शीर्ष पर पंसूर लगा है, जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं। इन श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से उनकी सारी कष्ट दूर हो जाता है। देवघर को देवों की नगरी कहा जाता है, शमशान पर अवस्थित है। जी हाँ, आज बैद्यनाथ धाम शिवलिंग जिस जगह पर अवस्थित है, वह जगह कभी शमशान हुआ करता था। जी हाँ, पद पुराण एवं शिव पुराण के अनुसार रावण से छल से श्री हरि ने कामना लिंग लेकर यहीं पर अवस्थित किया था, जबकि हरि ने रावण से शिवलिंग मौजूदा मंदिर से 6 किलोमीटर दूर हरला, जो इस स्थान से। चलिए दोस्तों, अब चलते शिव गंगा के पास। बैद्यनाथ मंदिर से इसकी दूरी लगभग 500 मीटर दूर है। दोस्तों इस तालाब को लोग शिव गंगा और पाताल गंगा भी कहते हैं। ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि रावण जब पाताल लोक शिवलिंग लेकर जा रहा था, तो उस समय उसको लहु शंका आती है, तो वही लहु शंका करता है तो इस तालाब की निर्माण होती है। वैसे इसके बारे में मेरे को पूरा डिटेल पता नहीं है। ऐसे आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा, छोटा सा वीडियो, कमेंट कीजिएगा ज़रूर।